दोस्तों, आज हम लोग अपने मोदी केयर के एक्टिविटी प्रोडक्ट का रिजल्ट देखने जा रहे हैं। ये राजेश सर ने दिया है एक्टिविटी गोल्ड। 2 ग्लास पानी लिया और उसमें एक में एक्टिविटी गोल्ड डाला, आधा चम्मच। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, गत्ते का टुकड़ा ले रहे हैं, दोनों में डाला, छोड़ दिया 2 मिनट के लिए। देखिए कुछ दिख रहा है आप लोग को, इसमें बुलबुला भी छोड़ रहा है उसमें, इसमें हाँ। और उसमें बुलबुला कम छोड़ रहा है, देखिए। अब उठाएंगे, ये पूरा गीला हो गया। वो दिख तो रहा है कि गीला, लेकिन एक्चुअली हुआ नहीं है, दोनों में बहुत देखिए फर्क है। अब इसको खुरचिए। ये मार्केट का है, ये सादा पानी में हमने डाला। ये हम इस गत्ता इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मिट्टी का लेयर होता है, तो आप जब सिंचाई करते हैं तो उसमें पानी गहराई तक नहीं जाता, जनरली 4 से 6 इंच नीचे जाता है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ ये है, और इसके हर लेयर में देखें आप, आपको भींगा हुआ, वाह क्या बात, हर लेयर में आपको भींगा हुआ बहुत है। सुंदर। यानी कि जब एक्टिव 80 से डेमो करेंगे आप, तो पटवन करेंगे आप, तो 7 से 10 इंच पानी नीचे जाएगा, तो आपके खेतों में नमी ज्यादा दिन तक रहेगा। जब नमी ज्यादा दिन तक रहेगा तो पौधे को न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा, पानी भी कम लगेगा, न्यूट्रिशन ज्यादा। यानी कि जो खेत आपका 12 दिन में जनरली सूख जाता है, वो खेत सूखेगा आपको 15 से 21 दिन में। क्या बात, तो तो हमें ये पटवन का खर्चा बचेगा। पटवन का खर्चा बचेगा, और 1 एकड़ जमीन में 160 ml एक्टिव 80 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा डेमो हम लोग करते हैं, टेलकम पाउडर। हमारे बहुत सारे दवाएं होती हैं जो पाउडर फॉर्म में होती हैं। हाँ पाउडर फॉर्म, तेल का दिखाएं या ये दिखाएं? पहले ये कर लो, पाउडर डालो, खोलो उसको। ये हमने नहीं, ऊपर से ये बस उसको, ऊपर बस उसको घुमा दो, आ जाएगा छेद, आ जाएगा। यह ये मार्केट का पाउडर है, बहुत सारे दवाई जो होता है पाउडर फॉर्म में होता है। बस तो ये हमने पाउडर डाला, और दूसरे में एक्टिव 80 में देख रहे हैं, जैसे हमने डाला ये पूरा घुल गया, और ये नहीं घुला। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप मशीन में आप कोई भी कीटनाशक को पाउडर फॉर्म में डालते हैं या तेल फॉर्म में डालते हैं, तो नोजल पे लगा 30 से 40% आपका दवाई बर्बाद हो जाता है, और उससे नोजल भी खराब हो जाता है और बर्बाद भी हो जाता है, पूरा आपका फैलेगा नहीं, और ये पूरा घुल गया। यस राइट। इसी तरीके से सरसों तेल, इसी में कर दें, अलग से कर दें पानी। अब देखिए कि हम दोनों में क्या करते हैं, सरसों तेल डालते हैं। ठीक है, करो, खोलो। उसमें छेद बना हुआ है सही में। लुक ए बॉडी बटर के डब्बे से सरसों तेल कहाँ से आ रहा है? हमने क्या किया, 2 ग्लास में हमने सरसों तेल लिया। आपको पता है कि तेल जो होता है पानी से हल्का होता है, तो निश्चित रूप से ऊपर में तैरेगा। एक और चम्मच उसी भी ले लेना है, एक्टिविटी है। 2 चम्मच, अच्छा 1 चम्मच और ला दो जल्दी से, हल्दी वाला मतलब दूसरा दे रहा है, 1 चम्मच लाइए डॉल के, जब तक आप। अब आप देखेंगे एक एक में सिर्फ तेल है, और एक में मैं एक्टिव 80 डालता हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं एक्टिव 80 डाला एक में, और 1 चम्मच और। देखिए इसको मैं घोलता हूँ, तो आप क्या देख रहे हैं, नहीं घुलेगा, नहीं घुल रहा है, थक्का थक्का है ये। बहुत सारी दवाएं ऐसी है ना, होती हैं जो ऑयल बेस होती हैं। हाँ ऑयल बेस होती है, जिसे रोगर वगैरह जो होता है। और ये देखिए ये कनकन में टूट गया, चीनी पानी की तरह घुल गया। अब आपको मैं डेमो दिखाता हूँ, देखिए। यस, नोजल में चिपक गया, आप डब्बे वो डब्बे के दवाई अंदरूनी आपका पार्ट वो में चिपक गया, चिपक गया, इसमें आपका देखिए। क्लीन है, दिखाइए चम्मच, ये चम्मच दिखाइए, वाह बहुत बढ़िया। अब देखिए आप, देखिए यहां देखिए आप एक बार मैं, अब किसान क्या करते हैं कि डब्बे को हिला करके करेंगे, देखिए सब ऐसे ऊपर ही दवाई आएगी। गिरे, और इसका देखिए आप, एक बार हिलाएंगे तो पूरा हल्का होता हो, तो धीरे धीरे ऊपर आएगा, लेकिन आप देखिए ये कनकन में टूट गया, और ये कनकन में नहीं टूटा। इस तरीके से ये आपका 100% यूज होगा, इसमें आपका 30% आपका जो भी कीटनाशक डालते हैं वो बर्बाद होगा,
इसलिए आप 20-30% अपने कीटनाशक को कम करके भी आप दे सकते हैं खेतों में। बहुत बढ़िया, पहले एक्टिव अस्सी के साथ दे। एक और डेमो देखा जाए, ये हो गया। अब एक चमत्कारिक डेमो मैं दिखाता हूं आपको। पानी का बोतल ले लीजिए। हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत ही बढ़िया जमीन दिया और हम बरसों से हम खेती करते आ रहे हैं। इसमें मैं हल्दी इस्तेमाल कर रहा हूँ। हल्दी इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि हल्दी हर तरीके से नेचुरल होता है। तो हमारा जो खेत है, जमीन है, हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही नेचुरल दिया था, लेकिन हम क्या किए, इसमें यूरिया केमिकल डाल करके हम इसको क्या किए कि ये क्या डाल रहे हैं आप? ये हमने डाला डिटर्जेंट, डाला वॉशिंग पाउडर है ना, डिटर्जेंट। जैसे हमने डाला तो ये देखिए कैसा आज हमारा खेत के हालात भी यही हो गया, केमिकल डालते डालते ये हो गया। अब एक्टिव अस्सी का पावर ये है कि इसको फिर से उस जमीन को हम क्या उस रूप में हम ला सकते हैं, तो हम देखते हैं। एक्टिविटी गोल्ड जी, एक्टिव अस्सी गोल्ड। अब देखिए मैं पटवन कर रहा हूं, एक्टिव अस्सी के साथ में हमने पटवन किया, पहला पटवन। इसको मैं कर रहा हूं विदाउट एक्टिव अस्सी। फिर हमने डाला दूसरा पटवन, इसमें भी दूसरा पटवन। तीसरा पटवन आपको देख रहे होंगे, यानी कि 4-5 पटवन जाते जाते फिर से हमारा खेत जैसा कि 60-70 साल पहले हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था वैसा खेत हो सकता है, यानी कि केमिकल। क्या बात है, क्या बात, सुपर। और ये ऐसे ही है तो एक बार इसका रेशियो बता दीजिए कि हम गोल्ड का रेशियो क्या लेंगे। गोल्ड का रेशियो डालना है जैसे कीटनाशक में डालते हैं, तो 15 लीटर का जो घोल होता है कीटनाशक का उसमें मैं 5 ml एक्टिव 80 गोल्ड डालना है। और एक और हमारा प्रोडक्ट आता है एक्टिव मैक्स, तो 15 लीटर घोल में 5 ml एक्टिव 80 और 15 ml एक्टिव मैक्स डालते हैं। उससे क्या होगा, एक्टिव मैक्स क्या है, उसमें विटामिन मिनरल्स है उसके अंदर में, एंजाइम्स उसके अंदर में, जो कि पौधे का और फल फूल के ग्रोथ में आपको मदद करेगा। तो ये रेशियो डालना है। पटवन में यदि हम डालते हैं तो 1 एकड़ में 160 ml एक्टिव 80 का हम उपयोग करते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, जबरदस्त। इस अपने मोदी केयर के इस प्रोडक्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां।